आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाला स्पेशल और हेल्दी ब्रेकफास्ट जो महाराष्ट्रियन और गुजराती दोनों किचन में हमेशा बनता है। देख के आप लोगों को पता चला ही होगा कि ये क्या है। इसे हम मराठी में थालीपीठ कहते हैं और सेम इसी तरह गुजराती में भी बनता है जिसे ढेबरा कहते हैं। ठंडी के दिनों में इसे गर्मा गर्म खाने का मजा कुछ और ही होता है। हमारे घर में तो हफ्ते में 2-3 बार हम नाश्ते में इसे बनाते ही बनाते हैं। और आपको यहाँ पे जो चटनी दिख रही है उसके साथ ये थालीपीठ बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसकी रेसिपी भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले शुरुआत चटनी बनाने से ही करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है मिक्सर जार में। आपको जितने क्वांटिटी में चटनी बनाना है उसके हिसाब से दही ले लें। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और मैंने यहाँ पर 3 से 4 ये तीखी वाली हरी मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तीखी वाली मिर्च ले सकते हैं। अभी यहाँ पे 1/4 टीस्पून जीरा डाल देना है। इसके साथ यहाँ पे मुट्ठी भर धनिया डाल देना है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है। अभी मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ। आप बिना पानी के भी इस चटनी को बना सकते हैं। अभी इस चटनी को हमें अच्छे से एकदम फाइन पीस लेना है। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर हमारी दही वाली मज़ेदार चटपटी चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को चाहे तो तड़का भी लगा सकते हैं, बट बिना तड़के की भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को एक बार ज़रूर बना के देखें और इस थालीपीठ के साथ तो ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे एक बार खाएँगे तो बार बार बना के खाएँगे। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बंच मेथी ली है। इसे अच्छे से धो के सुखा के बारीक कट कर लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे थालीपीठ के लिए चटनी बना लेनी है। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च ली है। यहाँ पे 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है और साथ में 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। मिर्च की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से लें। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर बिना पानी डाले ही इसकी चटनी ऐसे पीस कर तैयार कर ली है। इसे साइड में रखेंगे। अब ये थालीपीठ बनाने के लिए हमें डो तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 कप ज्वार और बाजरे का आटा लिया है। हमारे घर में भाकरी के लिए हम लोगों ने मिक्स पीस के लाया था। आपके घर में अगर अलग होगा तो आप अलग अलग ले सकते हैं, ज्वार का और बाजरे का अलग अलग। मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। अभी मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। आपको जितनी क्वान्टिटी में थालीपीठ बनाना है उसके हिसाब से सारे आटे की क्वान्टिटी आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सेम 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी मल्टीग्रेन आटा यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ आप नाचनी यानी रागी का भी आटा ले सकते हैं। नाचनी का यानी रागी का आटा डायबिटिक फ्रेंडली होता है, तो आप इसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है। अभी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। यहाँ पर डालेंगे साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो चटनी यहाँ पे पीस के रखी थी वो डाल देना है। आप चाहे तो इस थालीपीठ में लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस हरी चटनी का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे 1 बंच मेथी को अच्छे से धो के सुखा के बारीक कट करके लिया है। मेथी के साथ आप चाहे तो पालक भी ले सकते हैं। मेथी के साथ अगर आप पालक डालेंगे इसमें तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। अभी स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा हींग डालना है। हींग पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप ज़रूर डालें। अभी मैंने यहाँ पे 2 बड़े टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं। तिल से इस थालीपीठ में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और ख़ासकर सर्दियों के सीज़न में तिल खाना बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अभी सारी चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही पानी डाल के इसका डो बना लेना है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी एकदम से पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक डो बना लेना है। डो को हमें एकदम रोटी जैसे बेलते या थेपला बेलते हैं उसकी तरह डो नहीं बनाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पतला सा बनाने वाली हूँ। महाराष्ट्रियन स्टाइल जो थालीपीठ बनता है उसका डो थोड़ा सा पतला होता है। नॉर्मल मेथी के थेपले के जैसे हम लोग डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये पतला होता है और स्टिकी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है, तो इसी तरह से सेम हमें डो बना के तैयार कर लेना है। अभी इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट बाद हाथों को तेल या पानी लगा के हमें इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं। सभी डो के हम लोग इस तरह से बॉल्स बना के रखेंगे तो फटाफट थालीपीठ बनाने में आसानी होगी।
सबसे पहले यहाँ पे हमें रोटी बेलने वाला चकला लेना है और उसके ऊपर साफ सुथरा धुला हुआ एक नैपकिन ले लेना है। इसी के ऊपर हम लोग ये महाराष्ट्रियन स्टाइल थालीपीठ बनाने वाले हैं। अभी इस नैपकिन को पानी डाल के हमें अच्छे से गीला कर लेना है। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा थालीपीठ बनाने के लिए। ये महाराष्ट्रियन स्टाइल ट्रेडिशनल थालीपीठ बनाने की रेसिपी है। इसी तरह से हाथों से या पानी लगा के उसे फैला के थालीपीठ बनाया जाता है। अभी मैंने यहाँ पे नैपकिन में पानी अच्छे से लगा लिया है। अभी जो बॉल बना के रखा था आटे का उसे लेना है और हल्के हाथों से हमें इसे ऐसे उंगलियों से प्रेस करते जाना है और फैलाते जाना है। बीच बीच में हमें हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लेना है। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से मोटा या पतला फैला सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मोटा रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अभी ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल और डाल देंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे चिपका लेंगे। अभी आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, बट हमारे महाराष्ट्रियन स्टाइल में जो थालीपीठ बनता है उसमें ऐसे हम लोग छेद बना लेते हैं। उंगलियों से आपको ऐसे छेद बना लेना है 4 से 5। अभी यहाँ पे मैंने साइड में तवा गरम करने रखा है। अभी इस पर थोड़ा सा तेल हमें लगा लेना है। हाथों से फैला के बनाया हुआ ये थालीपीठ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी हम लोगों ने जो नैपकिन पे ये थालीपीठ फैला के रखा था उसी साइड से हमें ये नैपकिन इस तवे पे ऐसे रख देनी है। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नैपकिन को ऐसे यहाँ पे तवे पे रख दिया और उसी डायरेक्शन से मैंने यहाँ पे नैपकिन को ऐसे उठा लिया। पहले ही हम लोग अगर नैपकिन पे थोड़ा सा ज़्यादा और अच्छे से पानी लगा के इसे फैलाएंगे तो ये जल्दी से और फटाक से निकल जाता है और बिल्कुल भी चिपकता नहीं है नैपकिन पे। अगर आप 2-3 बार बना के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से बनाते आएगा। अभी यहाँ पे ऊपर से हमें तेल लगा लेना है। आप इस थालीपीठ में बटर का यूज़ ना करें, चाहे तो आप घी लगा सकते हैं, बट तेल या घी का ही इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ट्रेडिशनल तरीके से जो थालीपीठ बनते हैं उसमें तेल का यूज़ होता है और तेल से ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से हम लोगों ने जो तेल लगाया है उसका भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टेक्स्चर आया है और दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से हमें तेल लगाते हुए दोनों साइड से अच्छे से इसे सेक लेना है। 1-1 मिनट के लिए हमें दोनों साइड से अलटते पलटते हुए थालीपीठ को सेक लेना है, तभी अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। इस थालीपीठ को हमें मीडियम गैस फ्लेम पे ही सेक लेना है। इस थालीपीठ में हम लोगों ने ज्वार बाजरे का आटा और बेसन का भी यूज़ किया है तो इससे सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे दबाते हुए इसे सेक लेना है, तभी अच्छे से सेकेगा और क्रिस्पी बनेगा। 2 से 3 मिनट अलटते पलटते हुए इस थालीपीठ को मैंने अच्छे से सेक लिया है तो यहाँ पे थालीपीठ हमारा बनके तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से बाकी के भी थालीपीठ हमें यहाँ पे बना के तैयार कर लेने हैं। थालीपीठ और थेपला बनाने का दोनों का प्रोसेस अलग है तो दोनों का टेस्ट भी अलग आता है। इस तरह से आप महाराष्ट्रियन स्टाइल थालीपीठ एक बार बना के ज़रूर देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और गर्मा गर्म आप इसे खाएँगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप लोग हमेशा ज्वार या बाजरे का आटा घर में खाते हैं या उसकी रोटी बना के या भाकरी बना के खाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और 2 मिनट में बनने वाली इस दही की चटनी के साथ आप इस थालीपीठ को परोसेंगे तो थालीपीठ 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे और चटनी के साथ अपना मनपसंद अचार मिल जाए तो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप सभी इस महाराष्ट्रियन स्टाइल थालीपीठ की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये रेसिपी पसंद आएगी और सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे। हफ्ते में 1 या 2 बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों के सीज़न में एक बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ में बेल बटन दिया है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट द्वारा ज़रूर मुझे बताएँ। तो फिर से एक बार मिलते हैं नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।